Just talking about the event. So यहाँ पे आज हम दोनों ही सिर्फ अवार्ड्स और जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक उस चीज़ को रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमको बहुत खुशी है कि ये अवार्ड्स हो रहे हैं और ऑनर्स हो रहे हैं और ये बच्चों को जिनको स्कॉलरशिप मिलती है उनके लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है, इस चीज़ को हमको रिकग्नाइज़ करना चाहिए। तो ये बाकी चीज़ों के बारे में बहुत टाइम होता है बात करने का, हम लोग इंडिविजुअली भी करते रहते हैं, लेकिन आज अगर इस पर फोकस करेंगे तो अच्छा है। आई थिंक मैं इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड इससे जुड़े हुए हैं एंड आई थिंक ये बहुत ही एक यूनिक इनिशिएटिव है जहाँ पे आप अपकमिंग टैलेंट को, एथलीट्स को जिनमें बहुत हुनर है, बहुत कैपेबिलिटी है, आप उन्हें एक बैकिंग देते हैं, एक सपोर्ट देते हैं, स्पेशली ऐसे स्टेज पे देते हैं जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आई थिंक विराट ने मुझे बहुत रीजन्स दिए टू बी वेरी प्राउड ऑफ हिम, but these his foundation and him give me another reason to feel prouder because of the work that they've been doing under the foundation, and I think सारे sports को आप cover करते हैं and that increases your sporting culture and you know the love that Indians have for sports and it pushes that forward. Thank you. अभी बाद में. Thank you. कुछ है पूछने? नहीं, गुड इवनिंग। आप पोस्ट करिए। हाँ जी, कुछ बताइए क्या अवसर है और मतलब किस तरह से आप पूरा समूह बनाएंगे। वेल आई थिंक पहले तो ये जैसे पिछले साल भी हुआ था, उस टाइम मैं अटेंड करने आई थी और मुझे अवार्ड मिला था, ऑनर मिला था रादर, तो मैं बहुत खुश हूँ टू बी हियर अगेन। इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ स्पोर्ट, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ आवर नेशन एंड इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ एवरीबडी दैट ब्रिंग्स लॉरेल्स टू आवर कंट्री। तो मैं बहुत खुश हूँ टू बी अ होस्ट ऑफ एन इवनिंग लाइक दिस। आई हैव बीन नॉट बीन एबल टू प्ले फॉर द लास्ट 2 years बट आई एम सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। मैं अभी दोपहर की फ्लाइट से आई हूँ तो हमने बस ऐसे ही थोड़ा बहुत रिहर्सल किया। आप देखते हैं, खुदा पे छोड़ना पड़ेगा। वैसे होस्टिंग मेरा मेन प्रोफेशन नहीं है तो मैं उसके लिए इंस्पिरेशन खास नहीं लेती, लेकिन आई थिंक जो मेरी दोस्त है फराह खान, वो बहुत अच्छी होस्ट है और उसके कई सारे शोज़ हो चुके हैं जिसमें मैं भी खुद जा चुकी हूँ। तो आई डेफिनेटली थिंक शी आई हैव लर्न सम, शी इज़ रियली फनी एज वेल, सो आई थिंक दैट्स व्हाट अ होस्ट शुड बी। Well, I think most important है कि eat healthy, stay healthy. I think fitness and health is a very important part of everybody's life, athlete or not an athlete. So you know, eating right and at least working out every day 1 hour a day is very, very important. Good evening. You have been a host before. जी. पर ये मंच अलग रहेगा आपके लिए. जी. कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? नहीं, आई थिंक खुशनसीब हूँ, अलग अलग जगहों पे अलग अलग फंक्शन इवेंट करने का मौका मिला है। जब आप स्पोर्ट्समैन की बात करें, हिंदुस्तान आई थिंक इज़ अ प्लेस विच इज़ रियली इनकरेजिंग राइट नाउ टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। I'm very, very glad that Virat and Star have come together to create a property like this, जहाँ पे हम ना कि क्रिकेटर्स को बल्कि अलग अलग स्पोर्ट्समैन को सराह सकते हैं, उनके काम के लिए उनको उत्साहित कर सकते हैं ताकि और बेहतर करें, स्पेशली फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड व्हाइल प्रिपेयरिंग द यंगर स्पोर्ट्समैन from different fields, whether it's shooting, whether it's hockey, whether it's badminton or tennis. जो अच्छी बात जो मुझे लग रही है, जो मैं खुशनसीब समझता हूँ, that I'm getting to meet the stars of tomorrow, and I'm getting to be a part of their history to becoming something great, because this is maybe the first platform that they get introduced upon also, thanks to his foundation, Virat की जो खुद की foundation है. And साथ में मौका मिलता है to say thank you to all the stars who've been doing so well in the last year 2018. तो I'm excited, I'm happy, and कभी-कभी अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी जाने चाहिए ना. हम हमेशा फिल्म अवार्ड्स में होते हैं या म्यूजिक अवार्ड में होते हैं, तो अच्छा लगता है जब आप मिंगल कर सकते हो. यू कैन क्रॉस ओवर कह सकते हैं, क्रॉस ओवर करने के लिए मज़ा भी आता है. जी 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 यार, उन्होंने क्या जवाब दिया पहले, मैं वो आपने बहुत हाँ, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ. Yes. Two young female cricketers in Smriti and Jemimah are among the recipients tonight. Yes. Do you follow women's cricket? Your thoughts on Smriti and Jemimah? Yeah, I'm just about following my career these days. But what happens is, you don't always need to follow each and every step. As long as you can be part of their journey, as long as you can be, as an Indian, proud to have female cricketers coming in, and we encourage that. I think what's important is that slowly it's going to grow. They are the torch bearers. They are the first step. And it's not only me. I think it's just about, as a nation, we have to appreciate the fact that for many years it was a male-dominated sport. Today we have taken this leap, and I'm very, very glad that they're being appreciated today. It's another chance again, like I said, to underline the fact that there is more to India than just cricket, and it comes in an amazing way when a Virat Kohli does this. So I think credit to him and the team. But I'm really glad that it's happening. I think you have molded yourself. जैसे स्पोर्ट्स की बात की जा रही है जी, अपनी फिल्म को लेकर जो बहुत ही हमने जो वीडियोस वगैरह देखे, बहुत ही प्रभावशाली और एक नया रूप आपका देखा उसमें. आप प्रभावित हो सारे लोग. यार देखिए क्या होता है, हम ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे जो दिखता है वही बिकता है. हम सब कहीं ना कहीं, वी आर ऑल इवॉल्विंग, वी आर ट्राइंग टू गेट बेटर. आई एम श्योर आप सबकी ज़िंदगी में भी होता है, कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बुरे होते हैं. अगर मेरा पोस्ट देख लेने से या मेरी जर्नी या मेरी स्ट्रगल देख लेने से आपको प्रोत्साहन मिलता है, और यू गेट हैप्पी और यू बिलीव अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. आई थिंक दैट्स समथिंग दैट आई एम गिविंग बैक इन अ स्मॉल वे. इट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट मेक्स मी पुश माई सेल्फ हार्डर. Like I said, we all have good days and bad days, and I also need encouragement, and so do all of you all. तो वो तालमेल ऐसा होता है कि आपके फैंस और ऑडियंस से कभी आपको प्रोत्साहन मिलता है, कभी आपको देना पड़ता है. बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये पूछेंगे. जी 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 यार, आई थिंक वी आर अ वेरी वेरी ब्लेस्ड जनरेशन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अस बीइंग हियर. That we get to see Mr. Bachchan in all his glory, working, doing amazing work till today. He's just given us badla, 70 के दशक से लेके आज तक. I think हमारा सौभाग्य है कि हमको उनके साथ. I've had a chance to be on the same platform as him so many times. I've also had a chance to work with him in Kienka. I feel honored and blessed that he subconsciously, just by being around, is making our film industry and our country a better place. And it's about time every award is less for him. जो उन्होंने किया है हमारे film industry के लिए तो छोड़िए. I think as a nation, the first name that comes to mind when you talk about India and when you talk about creative forces, I think Amitabh Bachchan is the one. So of course he deserves every recognition he gets. चलिए, thank you. Hi guys, क्या हाल है सबके? आपके क्या हाल है? गुलाबी शर्ट पहन के, how's it going? सब बढ़िया? You looking very good. अरे यार माफ करो. ओ नहीं यार. So what's happening? आप बताएं. अपनी इंडस्ट्री की मतलब जो अनुष्का है उनके पति परमेश्वर जी का विराट फाउंडेशन में बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं. आप इसके बारे में कुछ करें. यार पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, this is the only couple in the entire country जिनके बारे में ये नहीं बोल सकता कोई कि यार ये विराट की वाइफ है या ये अनुष्का के हस्बैंड हैं. बोथ ऑफ देम आई थिंक दे आर द पावर कपल ऑफ आवर कंट्री मैन, एंड आई थिंक बोथ ऑफ देम हैव डन एक्सट्रीमली वेल इन देयर रिस्पेक्टिव करियर्स, एंड बोथ ऑफ देम have had a very similar graph. I was watching Virat's interview on YouTube, and he said कि similar time पे दोनों का debut हुआ, similar time पे दोनों दोनों ने उनका graph ऊपर जाना शुरू हुआ, and both of them have worked extremely hard to achieve what they've achieved. So God bless them, yeah, and yeah, congratulations on today's event. I think it takes a lot to honor all the upcoming sports persons. So we are really looking forward to that. Yeah. Thank you.